यातायात पर फिर से लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। 4 नवंबर से 15 तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। कहा पराली जलाने पर रोक। सीएम केजरीवाल ने किया फिर से ऑड इवन का ऐलान। कहा पहले के आंकड़े बताते हैं, इससे घटा प्रदूषण का स्तर। 25% घटा प्रदूषण का आंकड़ा। जहां पॉल्यूशन घटना चालू हुआ है, पॉल्यूशन अभी 25% कम हुआ है, लेकिन हमें इसमें संतुष्टि नहीं लेनी। दिल्ली सरकार के मुताबिक प्रदूषण पर नियंत्रण के मद्देनजर मार्शल की होगी नियुक्ति। छुट्टी वाले दिन दिल्ली में ऑड इवन का नियम लागू नहीं होगा। हालांकि जनता के मुताबिक बारिश और नए ट्रैफिक नियमों के चलते दिल्ली में घटा है प्रदूषण। राजस्थान की बूंदी में आसमानी आफत। लगातार बारिश के बाद शहर में दौड़ा सैलाब। कई जगहों पर फंसे बाइक सवार। कल देर रात हो रही मूसलाधार बारिश। करीब 4 फीट तक भरा पानी। सिविल डिफेंस की टीम मदद के लिए तैनात। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश का कहर टूटा। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी। असम के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। बागेश्वर में कल से मूसलाधार बारिश जारी। कई घाट सरयू नदी की उफनती लहरों में डूबे। उज्जैन की शिप्रा नदी भी उफान पर। घाटों पर कई मकान और मंदिर जलमग्न। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। गुजरात के नर्मदा में उफान में फंसी 13 साल की बच्ची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाई जान। झारखंड के रामगढ़ में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे की कई दुकानें बाढ़ की चपेट में। मध्य प्रदेश के सीहोर में गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर पुलिया करनी पड़ी पार। उफनती लहरों की वजह से पुलिया पर पहुंचा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश के चलते मिट्टी से बना मकान धड़ाम। वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में नगर निगम के दावों की खुली पोल। बारिश के बीच जल जमाव से आफत। यूपी के हमीरपुर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। केन, बेतवा और यमुना नदी में उफान से 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूबे। प्रयागराज में 3री बार गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर। संगम किनारे हनुमान मंदिर में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बाजार में बहा दरिया। बैतूल में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चे परेशान। सड़क और पुल नहीं होने से सरकार को लटाना चाहते हैं सरकारी साइकिल। कोटा में तेज बारिश की वजह से शोभा यात्रा में विशालकाय गेट गिरा। जुलूस मार्ग पर घंटों लग गया जाम। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान हुए हादसे का वीडियो सामने आया। तड़के हुआ था हादसा। गणपति विसर्जन के दौरान हादसे में 11 की गई जान। 6 का रेस्क्यू, 2 अब भी लापता। गणपति विसर्जन के दौरान झील में पलटी नाव, उस पर 19 लोग सवार थे। रेस्क्यू के बीच मृतकों के परिजनों में मातम। बेबस पिता ने कहा, मुझसे पूछकर विसर्जन में गया था मेरा बेटा। पापा बोले 10 बजे छोड़ने जा रहा है। बोले जा बेटा, जा छोड़ के आ, चल जा जा बेटा। सुबह 4:30 बजे छोटी झील के खाटलापुरा घाट के करीब पलटी गांव। गोताखोरों की टीम अब भी बचाव में जुटी। हादसे के बाद नाविकों पर FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। हादसे के बाद मौके पर पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के अलराज अलीपुर में हादसा। यमुना में नहाने गए 4 छात्र डूबे। 2 की लाशें बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में चालान काटे जाने पर मचा बवाल। बीच सड़क पर SI और सहयोगी पुलिसकर्मी ने एक शख्स की पिटाई की। वीडियो वायरल होने पर SP ने आरोपी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। पटना में चालान को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। जमकर हुआ बवाल। चालान के सारे रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली में एक ट्रक ड्राइवर को भरना पड़ा 2 लाख रुपए जुर्माना। शुरू में भी ट्रक वाले पर भारी जुर्माना। पुलिस ने काटा 1,41,700 रुपए का चालान। हिमाचल प्रदेश में नहीं लागू हुआ नया ट्रैफिक नियम। CM जयराम ठाकुर बोले, अध्ययन के बाद करेंगे विचार। छपरा में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बिना सीट बेल्ट के कैमरे में कैद हुए। RJD ने कानून के रक्षकों को कानून तोड़ने वाला बताया। चंदौली में ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए यातायात पुलिस ने लोगों के सामने जोड़े हाथ। वीडियो संदेश के जरिए जागरूकता अभियान। यूपी पुलिस के मुखिया OP सिंह बोले, नए ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों पर होगा 2 गुना जुर्माना। चंडीगढ़ में 8 भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर गिरी गाज। यातायात नियम तोड़ने वाले घूस में ले रहे थे पैसे। MP के खरगोन में शराब माफिया ने आबकारी इंस्पेक्टर की सरेराह डंडों से की पिटाई। युवकों ने वीडियो किया वायरल। उत्तराखंड के उधम से नगर में कैमरे में कैद हुई फायरिंग, 3 पर केस दर्ज। लखनऊ में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान छेड़खानी करने वाले 2 युवकों की महिलाओं ने जमकर की पिटाई, पुलिस रही नदारद। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में गणपति विसर्जन के दौरान मियार नदी में डूबे 2 लोग, 1 की मौत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 40 दिन पूरे। श्रीनगर में आज बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज की इजाजत नहीं। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद खुल रही हैं दुकानें। सड़क पर दौड़ती दिखी गाड़ियां। बाड़मेर में पकड़ा गया SI का जासूस। पाकिस्तानी सेना की मदद से की घुसपैठ। सुरक्षा एजेंसियां अब जयपुर में करेंगी पूछताछ। पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी पर PM इमरान का बड़ा कबूलनामा। बोले, 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ जिहादियों को दी गई ट्रेनिंग, वही अब आतंकवादी बने।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फजीहत के बाद पीओके के मुजफ्फराबाद में आज इमरान खान की रैली, कश्मीर पर फिर से पाकिस्तानी जनता को बताएंगे झूठ। कश्मीर को लेकर झूठ पर झूठ बोलने वाले इमरान खान इस महीने फिर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, यूएन सम्मेलन के दौरान करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की खरी खरी का, आतंकवाद का हब है पाकिस्तान, कश्मीर पर कर रहा है छल। दुनिया के सामने भारत ने कहा पाकिस्तान यूएन जैसे फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल बॉर्डर के जरिए जैश आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा। आतंकी अलर्ट के बाद एसएसबी ने कसी कमर, नेपाल की आन पुलिस के साथ सीमा पर तेज की गश्त। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मध्यप्रदेश में फिर पैर पसार रहे आतंकी संगठन, कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति से आतंकियों को मिल रहा है बढ़ावा। भारत की विकास दर पर आईएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस का बयान, आर्थिक विकास दर उम्मीद से काफी कम। आईएमएफ के मुताबिक भारत अब भी सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, विकास दर की तेजी में चीन से काफी आगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में उठाया आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जताई चिंता। शाहजहांपुर में यौन शोषण मामले में स्वामी चिन्मयानंद से एसआईटी की पूछताछ, सात घंटे तक सवाल जवाब। पीड़ित छात्रा के साथ चिन्मयानंद के आश्रम में जांच करेगी एसआईटी, बेडरूम की ली जाएगी तलाशी। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के आश्रम पर एसआईटी ने की कार्रवाई, विवादास्पद वीडियो आने के बाद संदिग्ध कमरे को किया गया सील। शामली में समाजवादी पार्टी के एमएलए नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज, जांच के दौरान गाड़ी के कागज मांगने पर एसडीएम से बदसलूकी का आरोप। मंदसौर में सड़क पर 5 फीट तक भरा मोहल्लों में पानी, रस्सी के सहारे आने जाने को मजबूर है लोग। नहीं हुई अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच लड़ाई, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल की सदस्यता खत्म करने के लिए लगाई याचिका। आजम खान के समर्थन में आज रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, आजम उनके बेटे पर करीब 81 एफआईआर है दर्ज। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के वीवीआईपी गेस्ट हाउस का नाम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, आजम खान का पहले था कब्जा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का किया विरोध, पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। पटना में महिला कांस्टेबल की बहाली के दौरान बवाल, उम्मीदवारों ने किया हंगामा, लंबाई में छूट की मांग की। गया में एक महिला और पुरुष की हत्या, अवैध संबंधों में मर्डर का शक। भीड़ में लूटपाट के इरादों से बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, सोने चांदी से भरा बैग लूटकर आरोपी फरार। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतगणना शुरू, एनएसयूआई और एबीवीपी में कड़ी टक्कर। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत अलीगढ़ पहुंचे, दिव्यांगों को बांटे आर्टिफिशियल लिम्स। एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कर सकती है सुनवाई, केंद्र सरकार और अन्य ने दायर की है याचिका। मेरठ में सौतेली मां ने 5 साल के बेटे का किया कत्ल, शव के वो बेड में छुपाया, महिला ने जुर्म कबूला। बरेली में किसान ने की खुदकुशी, कर्ज के बोझ तले दबकर मौत को लगाया गले। यूपी के जालौन में रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड, 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। मेरठ में सीबीआई ने सीजीएसटी के लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।